हेलो दोस्तों, तो आज हम कम मेहनत में बहुत ही टेस्टी नाश्ता तैयार करेंगे, जो खाने में तो टेस्टी है ही और क्रंची क्रिस्पी साथ साथ में बहुत ही लाजवाब लगता है। तो इसे ट्राई जरूर करिएगा और इसे आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ये सभी को काफ़ी पसंद आएगा। और इस तरीके के स्नैक्स के लिए आपको ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए होंगे, तो चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम एक कप में चावल का आटा लेंगे, जिसको कि हम एक कप से नाप करके लेंगे। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही बारीक आटा है, मोटा सा आटा नहीं लेना है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा कढ़ाई में तेल लेंगे। तेल में हम डालेंगे जीरा, और जीरा थोड़ा सा चटक जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे उसी कप से नाप करके पानी। जितना हमें आटा लेना है उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। तो एक कप नाप करके मैं पानी डाल देती हूँ और इसको उबलने तक हम इसमें नमक और मिक्स करेंगे। तो देखिए इसमें अच्छे से उबाल आने लगा है, तो हम इस आटे को इस पानी में मिक्स कर देंगे और जल्दी से करछी से मिलाएंगे। और ये देख सकते हैं फ्रेंड, डालते ही ये आटा कुछ इस तरीके से डो फॉर्म में आ जाएगा। तो इसी फॉर्म में हमें चाहिए, तो इस तरीके से हम एक डो बना करके तैयार कर लेंगे। बस 1 से 2 मिनट के लिए गैस पर ही हम इसको चलाएंगे। 2 मिनट अच्छे से पकाने के बाद देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से तैयार हो गया है, और ये अभी एक डो फॉर्म में अच्छे से नहीं आया है। तो उसके लिए हम इसे गैस से उतार लेंगे। उतारने के बाद एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और इसको अच्छे से डो फॉर्म में लाने के लिए एक आटे जैसा हमें डो बना करके तैयार कर लेना है। तो ये थोड़ा बहुत ठंडा हो गया था, उसके बाद हाथों की सहायता से इसको मसल मसल के आटे की तरह लगा लेंगे, और ये हाथों से चिपके ना उसके लिए हम थोड़ा सा तेल लेंगे। तो मैंने उसके लिए सरसों का तेल लिया है, और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको इस तरीके से मसल मसल के हम चिकना सा डो तैयार कर लेंगे। तो इसमें डालने के लिए हम मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं, इनको हम कद्दूकस कर लेंगे। हम डायरेक्ट ऐसे ही फोड़ करके डालेंगे तो इसमें गुठले रह जाएंगे, जो कि जो स्नैक्स हम बनाने वाले हैं उसमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसमें क्या है ना, ये आलू डालने से थोड़े सॉफ्टनेस आ जाएगी जो स्नैक्स हम बनाने वाले हैं। और इस तरीके से कद्दूकस करने के बाद हम उस डो में मिक्स कर देंगे। तो आलूओं को मैंने डाल दिया है, उसके बाद हम इसमें थोड़े मसाले ऐड करेंगे। मसाले में मैं आधी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी, थोड़ा सा नमक डालूंगी और थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल देंगे, और थोड़ा सा ही मैं इसमें गरम मसाला डाल दी हूँ, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो स्नैक्स बनने वाले हैं ना, ये आलू और चावल के आटे के बनने वाले हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और इतने ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं ना फ्रेंड्स, इनको आप काफ़ी टाइम तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। और ये जो स्नैक्स हम बनाने वाले हैं, चाय, टमाटो सॉस या हरे धनिया की चटनी किसी के भी साथ आप खाएंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। तो इस तरीके से हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, एक डो जैसा बन करके तैयार हो गया है, देख सकते हैं दोस्तों। तो एकदम सॉफ्ट सा डो बना है, तो उसमें से कुछ हम अलग करके एक लोई जैसा भाग अलग कर देंगे, और उसके बाद जैसा आपको स्नैक्स का साइज रखना है उसके हिसाब से हम इसके टुकड़े कर लेंगे। आप चौकी पे रख करके भी इसको शेप दे सकते हैं, जैसी आपको पसंद है। मैंने 2 तरीके से इस स्नैक्स को बनाया हुआ था, एक तो इसको थोड़ा सा गोल शेप
कपड़ा लंबा करते हुए बनाया था और एक इसको स्नैक्स के रूप में, जैसे हमारे कुरकुरे होते हैं उस शेप में मैंने इनको बना करके रखा था। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर जो आप इनको शेप दे रहे हैं अगर इसमें क्रैक्स आ रहे हैं ना, तो आप हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाइएगा, उसके बाद इस स्नैक्स को शेप दीजिएगा, तो आपके जो स्नैक्स है एकदम परफेक्ट बनेंगे, उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से एकदम गोल शेप, और थोड़ा मैं बेलनाकार जैसा कुछ इसमें शेप दे रही हूँ, एकदम गोल नहीं कर रही हूँ। तो आप अपने हिसाब से इनको शेप दे करके बना सकते हैं। तो ये देखिए एकदम बहुत ही चिकने से ये स्नैक्स बनकर तैयार हुए हैं। तो ये देखिए कहीं भी कोई क्रैक नहीं है, अगर क्रैक आता है तो मैंने आपको बताया, थोड़ा सा तेल लगाइएगा उसके बाद आप इनको बनाइएगा। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया है, तेल अच्छे से गरम, जैसा धुआं सा उठने लगे ना उसके बाद ही हम इसमें ये स्नैक्स डाल देंगे। और ठंडे तेल में आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है, ठंडे तेल में शायद ये चिपक जाए एक दूसरे से, और गरम तेल में आप इसको डालेंगे तो एकदम अच्छे से ये स्नैक्स बनेंगे और चिपकेंगे भी नहीं। याद रखिएगा गैस की फ्लेम को आपको तेज ही रखना है, कम गैस पर इसे अगर सेकेंगे तो ये आपस में चिपकने लगेंगे, टूटने भी लगेंगे। तो इस तरीके से हम तेज गैस पर स्नैक्स को सेक लेंगे, इसका अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेकेंगे। तो देखिए दोस्तों इसका कलर गोल्डन ब्राउन सा आ गया है, और इसी जगह पे हम इनको निकाल लेंगे। तो ये स्नैक्स खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं दोस्तों, ये आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा। ये सर्दियों के मौसम में बनाकर आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इस तरीके से हम स्नैक्स हमारे बना लेंगे। और दूसरा तरीका ये है फ्रेंड्स, एक चौकी पर हम इसके डो को लेकर के थोड़ा पतला पतला सा इस तरीके से एक स्टिक बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये कुछ कुरकुरे जैसा मैंने शेप दिया है, तो बच्चों को काफी पसंद होते हैं ना कुरकुरे, तो मैंने कुरकुरे जैसा इसको शेप दे करके थोड़े बना करके रख लिए हैं। इस तरीके से भी हम स्नैक्स बना सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों हमारे दोनों तरह के स्नैक्स बनकर के तैयार हैं, एकदम करारे कुरकुरे और खाने में एकदम टेस्टी। अगर फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।